नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ उपचुनाव की भी घोषणाएं हुई, लेकिन चर्चा में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट बनी हुई है। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है और यानी कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद इस्तीफे देने की वजह से खाली हुई है। मिल्कीपुर में उपचुनाव ना होने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठने की दो वजह भी है। दरअसल मिल्कीपुर के साथ खाली हुई उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। सवाल उठने की दूसरी वजह सीट का लोकेशन है और मिल्कीपुर सीट अयोध्या जिले की विधानसभा सीट में आती है, जिससे सियासी गलियारों में हॉट सीट की संज्ञा दी गई। लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था और अवधेश ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को धूल चटा दी। फैजाबाद की जीत से अवधेश समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए और लोकसभा में अखिलेश ने उन्हें अपने बगल की सीट पर बैठाया था। अवधेश इसके बाद हर जगह अखिलेश के साथ नजर आने लगे और समाजवादी पार्टी की जीत से ज्यादा फैजाबाद की हार भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाली बन गई। अयोध्या के बूते ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 3 अंकों की पार्टी बनी है और फैजाबाद चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर के ऊपर फोकस भी किया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट के प्रभारी हैं और दूसरी तरफ मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका देना चाहते। ऐसे में इस सीट के ऊपर चुनाव न होना कई बड़े सवाल तो खड़े करता ही। चुनाव आयोग ने फैजाबाद यानी कि अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के ऊपर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का ये कहना है कि इलेक्शन अंडर पिटीशन होने के कारण हम यहां पर अभी चुनाव नहीं करा रहे। राजीव कुमार के मुताबिक बंगाल की बशीरहाटा लोकसभा सीट पर भी इसी वजह से उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है और बशीरहाटा के सांसद का हाल ही में निधन हुआ। चुनाव याचिका संसदीय चुनाव परिणाम की वैधता की जांच करने की एक प्रक्रिया है और इसके तहत याचिकाकर्ता विधानसभा और लोकसभा और निकाय चुनाव में जीते हुए किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन पिटीशन का जिक्र जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंदर निहित है और एडीआर के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन फाइल कराने के लिए याचिकाकर्ता का उम्मीदवार होना या नामांकन पत्र दाखिल करना अनिवार्य। इलेक्शन अंडर पिटीशन पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के मुताबिक इलेक्शन पिटीशन दाखिल होने के बाद सभी तरह के कागजात सील कर दिए जाते हैं और आयोग इसके अंदर एक पक्ष होता है। कोर्ट के अंदर इस पर सुनवाई होती है और कोर्ट का फैसला आने पर आयोग को अमल करना होता है। मिल्कीपुर को लेकर अब तक कोर्ट से कोई भी फैसला नहीं आया है और ना ही इसकी सुनवाई को कोई अपडेट मिला। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आयोग ने सिर्फ याचिका के आधार पर ही फैसला किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव के राय कहते हैं कि 2023 में इस तरह का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा था, तब चुनाव आयोग ने इलेक्शन पिटीशन का हवाला देकर ही पुणे में लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया था। मार्च 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरीश वापट का निधन हो गया था, लेकिन आयोग ने पुणे के अंदर लोकसभा के उपचुनाव नहीं करा। हाईकोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तब आयोग ने अपना हलफनामा दिया और इसके ऊपर हाईकोर्ट ने आयोग की फटकार भी लगाई। लंबी सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने इस सीट के ऊपर उपचुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आयोग को राहत दे दी थी कि अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तब विपक्ष यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार ना हो जाए इसको लेकर चुनाव आयोग यहां पर उपचुनाव नहीं करवा रहा। दरअसल मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी समर्थक यही आरोप लगा रहे। समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना है कि मिल्कीपुर अयोध्या के पास की सीट है और यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसकी किरकिरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक उत्थान की शुरुआत अयोध्या से ही हुई थी, हालांकि 2024 के चुनाव में यहाँ की फैजाबाद सीट से पार्टी को करना पड़ा। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहां से सांसद बने हैं और मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर पक्ष और विपक्ष किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता है और मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव आखिर कब होता नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी।